महिला ने उतार दिया मौलाना का भूत। हरी पंचायत रसीद दिए दे थप्पड़ दे थप्पड़। मनचले मौलाना पर चला दी ये चप्पल। जी मनचला मौलाना जो भूत उतारने का दावा करके करता था छेड़छाड़। मनचला मौलाना जो झाड़ फूंक की आड़ में करता था छेड़छाड़, उस मौलाना का भूत उतार दिया एक महिला ने। मुरादाबाद के अगवानपुर क्षेत्र में मौलाना ने झाड़ फूंक कर भूत प्रेत भगाने के बहाने कमरे में बंद कर युवती के साथ छेड़खानी कर दी। युवती ने उसके साथ हुई घटना के बारे में अपनी माँ को बताया तो माँ ने हंगामा खड़ा कर दिया। पंचायत बैठ गई। महिला ने भरी पंचायत में पंचों के सामने ही मौलाना की चप्पलों से पिटाई कर दी। मौलाना की पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में मौलाना की पिटाई कर रही ये महिला इस मौलाना पर बरसती सुनाई देती है, उसे जानवर बताती है, कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। मौलाना को पीटने वाली महिला पहले तो उस मौलाना के ईमान को धिक्कारती है और फिर गुस्से से तमतमाई महिला मौलाना को मारना शुरू कर देती है। इधर महिला मारी जा रही थी, उधर मौलाना सिर झुकाए मार खाए जा रहा था। इस दौरान वहीं मौजूद एक शख्स महिला को रोकने की कोशिश करता है। वो ये कहते सुनाई देता है कि अगर इसकी गलती ना होती तो ये ऐसे चुपचाप मार ना खाता। वो आगे महिला को शांत करवाने की कोशिश करता है। वहीं इस दौरान दूसरी महिलाएं भी मौलाना पर भड़कती नजर आती हैं। अगर इसकी गलती ना होती तो ये पीटता क्यों? इसकी गलती है, इसकी बहुत बड़ी गलती है। और इन आरोपी मौलाना का नाम फुरकान बताया जा रहा है। फुरकान इलाके के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देता था। वो झाड़ फूंक का भी काम करता है। बताया जा रहा है कि मौलाना को पीटने वाली महिला दो दिन पहले अपनी बीमार बेटी को लेकर इसके पास आई थी झाड़ फूंक करवाने के लिए। मौलाना फुरकान ने महिला से कहा कि आपकी बेटी पर भूत प्रेत का साया है, इसको उतारने के लिए एक बंद कमरे में एकांत में युवती की झाड़ फूंक करनी होगी। आरोप है कि इसके बाद वो युवती को कमरे में ले गया और छेड़खानी की, गलत तरीके से उसे टच किया। विरोध करने पर युवती को धमकाने लगा, जिसकी शिकायत पर घर वालों ने चौपाल बुलाकर इस मौलाना को धुन दिया। हालांकि चौपाल में इस मैटर को खत्म करने की जानकारी मिल रही है। अब तक पुलिस में इस केस को लेकर कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई है, लेकिन इलाके में इस मौलाना की धुनाई का वीडियो जिस तरह से वायरल हो रहा है उसे तमाम तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। वैसे आप इस पे क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।